न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। झारखंड सरकार के अभिनव प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के संबद्धता प्राप्त कर विद्यालय का संचालन अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। संबंधित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में दिनांक 2 मई 2023 से 15 मई 2023 तक निःशुल्क आवेदन पत्र विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन विद्यालयों का नाम उत्कृष्ट विद्यालय में सम्मिलित किया गया है, उसमें उत्क्रमित प्लस 2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी जमशेदपुर कक्षा 6, 7 एवं 8 केवल बालिकाओं के लिए, BPM स्कूल प्लस 2 उच्च विद्यालय बरमाई जमशेदपुर कक्षा 9 बालक एवं बालिका दोनों के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर जमशेदपुर कक्षा 6 केवल बालिकाओं के लिए। सभी अभिभावकों से जिला प्रशासन ने अनुरोध किया है कि संबंधित विद्यालय में संपर्क कर आवेदन प्राप्त करें। नामांकन हेतु संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। जिला स्तर पर परीक्षा के उपरांत मेगा सूची के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। विस्तृत विवरण एवं आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए जिले की वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है। इंग्लिश स्कूल का एजुकेशन जनरली जो हमारे मन में मिथ है कि बहुत ही महंगा होता है। प्राइवेट स्कूल्स में ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम की किताबें या इंग्लिश मीडियम के लिए जो कोचिंग लेना पड़ेगा वो एक एडिशनल कॉस्ट होता है। इंग्लिश मीडियम तक की पढ़ाई जो होती है वो सरकारी स्कूल में नहीं हो सकती है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई यानी शिक्षकों का अभाव या कम गुणवत्ता होना या लोकल लैंग्वेज वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई, ये जो बनाए हुए हमारे मिथ थे, ये जो हमारे मन की धारणाएं थी, ये आज से सारी धारणाएं हमारी टूट चुकी है। और एक अच्छी क्वालिटी का केवल सिंपल ही नहीं बल्कि CBSE के साथ अफिलिएशन किया हुआ 3 स्कूल्स हमारे जिले में प्राप्त हैं। और जैसे आने वाले सालों में हमारा जो प्लान है उसमें हम पंचायत लेवल पर 4000 स्कूल की संख्या है, हम पंचायत लेवल तक भी इसी तरह के आदर्श और मॉडल स्कूल्स को लेके जाने वाले। आज हमारे बच्चे जब 10th के एग्जाम देते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, NDA एग्जाम हो, UPSC हो, मेडिकल एंट्रेंस हो, या कोई अकाउंट्स रिलेटेड एग्जाम हो, चीफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की CFOs हो, CEOs हो, या फिर किसी कॉरपोरेट जगह पर जाना हो, IIM के एंट्रेंसेस हो, इस सारे एग्जाम्स में अनिवार्य एक विषय होता है इंग्लिश। और कंपल्सरी इंग्लिश में भले ही उसके मार्क्स मेरिट में नहीं लिए जाए हो, अनलेस एंड अनटिल यू पास दैट पेपर, यू क्वालिफाई इन दैट पेपर, आपके बाकी के पेपर्स चेक नहीं होते। तो क्वालिफाइड नेचर का पेपर होने के बावजूद भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। आप इस एग्जाम्स का या इस क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा नेचर भी आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छे बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर एसे लिखना होता है, या किसी लंबे पैराग्राफ का सारांश होता है, या किसी छोटे लाइन का कल्पना विस्तार होता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, किसी फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। ये इस तरह के जो अच्छे ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है वो एक अच्छे स्कूलों में सिखाए जाते हैं। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सारे सरकारी स्कूल्स में भी हमारे लिए आज के दिन से हमें उपलब्ध हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये स्कूल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप कृपया 1-2 महीने पहले के यहाँ के प्रिमाइसिस को याद कीजिए, ये स्कूल का स्ट्रक्चर और ये प्रिमाइसिस कैसा था, और आज हम इस प्रिमाइसिस में बैठ के कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सारे स्कूल्स में न केवल लाइब्रेरी बल्कि अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेटरी, अच्छे ग्राउंड्स, अच्छे किताबें, अच्छे टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए टीचर्स, अच्छा एक्सपोजर, प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस, अन्य स्कूलों के साथ इंटरेक्शंस, इस तरह से स्कूलों का दर्जा भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।
करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ड्रीम आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, कुछ भी करने के लिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कुछ भी काम भी चाहिए और देना होता है उसके लिए भी इंग्लिश चाहिए होता है, और ये मतलब सरकार की तरफ से है तो मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार की तरफ से ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास जिनके पेरेंट्स को पैसा नहीं होता और मतलब पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं बिना फी का, सब कुछ फ्री है यहाँ पर ही, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुख्यमंत्री जी को मोदी जी बहुत आभारी कौन से क्लास के एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करें? इसके पहले कहाँ पर? हिंदी मीडियम नया एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, बचपन से शौक इच्छा थी कि आप इंग्लिश बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर आईएएस बनना है, कुछ भी हो जाए लेकिन आईएएस बनने का तो है। चलिए, थैंक यू।